महामंथन किया। इसके बाद सातों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। अब सिर्फ आलाकमान की फाइनल मुहर का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा उपचुनाव की जंग, बीजेपी का योद्धाओं पर मंथन, प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार, फाइनल मुहर का इंतजार, सात सीटों पर फतह का प्लान, जल्द होगा नामों का ऐलान। प्रदेश में सात सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम मिलने के बाद से पार्टी उपचुनाव की जीत को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी को देखते हुए बीजेपी कोर कमेटी ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल बैठक की, जिसमें जिताऊ उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी भी मौजूद रही। बैठक में शामिल हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है और बीजेपी सात के सात सीटें जीतने जा रही है। निश्चित तौर पर उपचुनाव की घोषणा कभी भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां पूरी की है। ये सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी सातों के सात चुनाव जीते, इसके लिए आज कोर कमेटी बैठी है। कोर कमेटी की अगली बैठक दिल्ली में होगी और उस पर विचार करके हमारे संभावित उम्मीदवारों के बारे में हमने चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक रविवार रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर होने वाली प्रदेश बीजेपी की बैठक में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बिठाने के बाद उपचुनाव के उम्मीदवारों पर फाइनल मुहर लग सकती है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में पांच विधायकों के सांसद बनने के बाद से पांच विधानसभा सीटें खाली हैं, वहीं दो विधायकों के निधन के बाद वहां उपचुनाव होने हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। दौसा विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा के सांसद बनने से सीट खाली हुई। झुंझुनू विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने से सीट खाली हुई। 84 विधानसभा सीट, बीएपी विधायक राजकुमार रोत के सांसद बनने से सीट खाली हुई। खीवसर विधानसभा सीट, आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने से सीट खाली हुई। सलुम्बर विधानसभा सीट, बीजेपी विधायक अमृत लाल मीणा के निधन के बाद सीट खाली हुई। रामगढ़ विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक जुबैर खान के निधन के बाद सीट खाली हुई। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस समेत सभी पार्टियां अकेले ताल ठोकने का दावा कर रही हैं। पहले सात में से चार सीटें कांग्रेस और एक एक सीट बीजेपी आरएलपी बीएपी के पास थी। अब देखना होगा जल्द होने वाले उपचुनाव में कौन सा दल दमखम दिखाता है और कितनी सीटें अपने पाले में करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुजरात के दौरे पर हैं। आज